अनुपमा सीरियल में डिम्पी के रेप केस के बाद शो में रोज कुछ ना कुछ अनहोनी हुए जा रही है। कल काव्या को धमकी मिली, किंजल को भी डराया गया और अनुपमा के साथ भी उन अपराधियों ने मेंटली और फिजिकल टॉर्चर करने की कोशिश की है, जिसके बाद वो काफी डर गई हैं। और अब आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अब इन सब के बाद पाकी उन गुंडों के चंगुल में फंस जाएगी। पाकी डरी सहमी शाह हाउस आएगी, जहाँ उसे ऐसा देख सभी इकट्ठा हो जाएंगे। अनुपमा भी वहाँ होगी। पाकी पहले तो बहुत रोएगी, पर जब उससे वनराज पूछेगा कि क्या हुआ है, तो वो रोते हुए डरते हुए बोलेगी कि उसने घर आने के लिए कैब बुक की थी, जिसमें वो बैठ गई, पर ड्राइवर उसे कहीं और लेकर जा रहा था, जिसके बाद उसने बोला कि वो गलत जगह लेकर जा रहा है, तो ड्राइवर ने उसे डांट दिया और चलने लगा। पर वो आगे जाकर ट्रैफिक में फंस गया, जहाँ पर पाकी ने खूब चिल्लाया और आसपास के लोगों ने उसे बचा लिया। फिर वो जैसे तैसे घर पहुँच गई, जिसके बाद अनुपमा रोएगी और पाकी को गले से लगाकर बोलेगी कि मेरी बच्ची ठीक है, जिसके बाद वनराज बोलेगा कि कब तक ठीक रहेगा सब, मेरी बीवी बहू को धमकी मिली है, मेरी बेटी के साथ हादसा होते हुए रह गया, कल को वो कुछ और कर देंगे, कब तक हम लोग ये सब सहेंगे, तुम इस केस को छोड़ दो, अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, सब ठीक हो जाएगा। अब सब अनुपमा पर है, या तो वो कंप्लेंट वापस लेकर अन्याय के खिलाफ आवाज न उठाए, या फिर परिवार को जोखिम में डालकर न्याय के खिलाफ लड़े। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे कि अनुपमा को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ये इंसाफ की लड़ाई रोक देनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।